आइडिया ये है कि 4 से 5 टीम बनाना होगा और उनको चेन्नई, बेंगलोर, कोयम्बतूर भेजकर रजनीकांत, कंची स्वामी और कुछ मिनिस्टरों को किडनैप करके गवर्नमेंट को गिरा दूंगा और इंटरनेशनल फेमस हो जाऊंगा। अन्ना समझ गया। तुम तीन लोग मदानी साहब से मिलके लोगों को इकट्ठा करके परसों दोपहर तक गुड़ीमेट ला जाओ। क्या? ठीक है। मैं इधर से वीरप्पन अन्ना को लेकर उधर आ जाऊंगा। क्या ना? नहीं तो मार दूंगा। हाथ ऊपर उठाओ। तुम लोग मेरे को उल्लू समझे ना, लेकिन मैं जानता कि ये चाल था, इसीलिए अपना चाल चलाया मैं। बीवी को उल्लू बनाया ना वो साला औरत से दोस्ती करवा के। अब देख, मैं तेरे को और तेरे इन पुलिस के कुत्तों को जंगल में लेके जाऊंगा, पैसा मांगूंगा और पैसे मिलते ही तुम सबका सर काट दूंगा। चल चल पीछे चल।
क्या धोखा? कितनी बार खाऊं मैं धोखा? बिना बुलेट का ये खाली बंदूक क्या करूं इसका? उस साले ऑफिसर के मैं टुकड़े टुकड़े कर देगा। मुझे अभी बहुत सारे ऐसे गन चाहिए। गोविंदन, एक बार मुझे ऐसे गन मिल जाए अल्लाह मचा देगा मैं। पुलिस तो क्या, साला पूरा गवर्नमेंट को उड़ा देगा। सोचा था कि मैं अपने पिछले ऑफिसरों से बेहतर हूं। मेरे गलत डिसीजन की वजह से इतने सारे लोग मारे गए। अब मैं भी वीरप्पन को मारने वालों की फेलियर लिस्ट में शामिल हो चुका हूं। डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ। नो। कहते हैं एक युद्ध जीतने के लिए कभी कभी छोटी छोटी लड़ाई हारनी पड़ती है। तुम समझ नहीं रही हो, मैं हार चुका हूं। आपको जीतना है उन लोगों के लिए जिन्हें वीरप्पन आगे मारने वाला है। उनका मैसेज आया है, बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। अगर ये काम हो गया तो खूब पैसा होगा और मैं आराम से उनके साथ रह सकूंगी। पर एक झूठ बोली मैं कि मैं आपके साथ नहीं हूं। क्या हो सकता है? उसे भी नहीं पता है। अभी अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि वीरप्पन का गन सप्लायर होने के सस्पेशन में किसी दूसरी टीम ने एक आदमी को अरेस्ट किया है। मैंने उस टीम को वो आदमी तुम्हारी कस्टडी में देने का ऑर्डर दे दिया। बता। चल रहा हूँ। पता था। हाँ मैं तेरे पास से मिला हूँ। किस लिए? उसका एक ही 47 गन चाहिए। उसको मैं अरेंज करा रहा हूँ। पागल हो गया तुम? एक ही 47 गन उसके हाथ में दे दे। उसने उससे भी बड़ा हमला किया तो समझते क्या तुम? जो हमारे ऊपर बैठे हैं उनको पता चला तो तुम्हारे साथ साथ मेरी गर्दन भी कटेगी। इट्स डैम रिस्की। सर हर डिसीजन में रिस्क है। ये मुमकिन है कि वो ऐसा कर सकता है, मगर मेरा मानना है कि वो तब तक नहीं करेगा जब तक उसे वो आदमी नहीं मिल जाता, और तब तक उसके लिए बहुत देर हो जाएगी। हमारे पास ये एक ही मौका है उसे फंसाने का। वो कभी सोच भी नहीं सकता कि पुलिस वाले उसे AK-47 गन्स देंगे, इसलिए वो 100% रिस्क करेगा। बट स्टिल इट्स रिस्की। इट्स वेरी वेरी रिस्की। सर वीरप्पन के मामले में कुछ नहीं करना भी एक रिस्क है। ये बात सिर्फ आप, मैं और कुमार जानेंगे। कुमार? एमटी कुमार, वही जिसे 3 साल पहले हमारे डिपार्टमेंट ने सस्पेंड किया था। सच में पागल हो गया? वो बास्टर्ड यही समझता था कि उसके सस्पेंशन में तुम्हारा हाथ है। हाउ कैन यू ट्रस्ट हिम? उस पर ट्रस्ट का सवाल नहीं है सर, मैं बस उसकी कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ओके, तुमने मुझसे कुछ कहा नहीं और मैंने कुछ सुना नहीं। मैंने क्या कहा?
काम से आया हूँ। वो तो मैं समझ गया, वरना जिसको तुमने सस्पेंड कराया उसे हेलो करने तो नहीं आओगे? मैंने सस्पेंड नहीं कराया, सस्पेंड होने से बचा नहीं पाया। लेकिन जो भी किया दुश्मनों जैसा किया। सुबह का एनकाउंटर किया तुमने ये जानते हुए कि उसके भाई से सुबह को बचाने के लिए मैंने पैसे लिए थे, ये तो लग गई ना। सुबह एक हार्डकोर क्रिमिनल था, 5 लेबर को उसने अपनी फैक्ट्री के फर्नेस में जलाकर मारा। उसको मारना एकदम सही था। फिलहाल पुरानी बातें छोड़ो यार, तुमसे तो मैं बदला लेकर रहूंगा। बोलो काम क्या है? वीरप्पन को पकड़ने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। वीरप्पन? तुम्हें क्या लगता है कि मैं अब भी तुम्हारे पुलिस के लिए काम करूंगा? तुम पुलिस के लिए नहीं करोगे, लेकिन पैसों के लिए तो करोगे। वीरप्पन के ऊपर 50 लाख का इनाम है और 15-20 लाख मैं तुमको डिपार्टमेंट से करा दूंगा। सुन रहा, मैंने एक प्लान बनाया है वीरप्पन को यकीन दिलाने के लिए, उसको आर्म्स एंड एमिनेशन सप्लाई करने का, और वो सामान तुम उस तक पहुंचाओगे। मैं क्यों? शक्ल और अकल से अब तुम पुलिस वाले नहीं लगते, और वीरप्पन के एरिया में तुमने काम भी नहीं किया, इसलिए पहचान का भी कोई डर नहीं है। और फिर ये हाई रिस्क ऑपरेशन है जो मैं इलीगली अपनी जिम्मेदारी में कर रहा हूँ। अगर डिपार्टमेंट के किसी आदमी को लिया तो बात लीक हो सकती है, जिसका रिजल्ट मेरे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है, भले ही हमारी दुश्मनी क्यों ना हो, मैं आज भी तुम्हारे दिमाग और जजमेंट का बहुत बड़ा फैन हूं। अब बताओ करना क्या है? कॉन्टैक्ट से ये बोलना है कि तू किसी वजह से जंगल में जा नहीं सकता, और AK-47 राइफल्स लेके ये तेरा आदमी कुमार जंगल में जाएगा। वीरप्पन कभी नहीं मानेगा, हमेशा मैं जाता हूं और अचानक नया आदमी, वो कभी नहीं मानेगा। दूसरा आइडिया सोचना पड़ेगा। तू रेस्ट ले। अब तेरे उस कॉन्टैक्ट को तेरा ये टूटा हुआ पैर दिखाना और बोलना कि बाइक से एक्सीडेंट हो गया है, 4 महीने तक तू चल नहीं सकता, इसलिए AK-47 मेरा आदमी कुमार लेकर जाएगा। वो यकीन करेगा और मानेगा, क्योंकि वो जल्दी में है, वो ज़रूर मानेगा। मुझे पता है कि तुझे दर्द हो रहा है, लेकिन क्या तेरा ये दर्द उस दर्द से भी ज़्यादा है जो वीरप्पन ने कई लोगों को दिया है? सोचना, शायद दर्द कम हो जाए।
बाइक एक्सीडेंट था, लॉरी बाइक से नीचे गिरा और चकला चूर कर दिया। मल्टीपल फ्रैक्चर की वजह से मैं बेड से उठ भी नहीं सकता था, इसलिए कि वीरप्पन को जल्दी है मेरे बदले में मेरा आदमी वो आएगा, जितना मेरा है उतना उसका भी है, और वीरप्पन ने जो मांगा है वो रेडी है। साथ मिलकर काम करते हैं मुगिलन के लिए। मुगिलन? मुगिलन मेन सप्लायर। मुगिलन ने कहा गवाह नहीं छोड़ने का,